नमस्कार दोस्तों, उद्यान एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। एक तरफ जहां गुजरात में वायु तूफान आ रहा है, वहीं पाकिस्तान की ओर से एक बड़ा तूफान आ रहा है जिसकी जद में पूरा उत्तर भारत होगा। इसके लिए भारत सरकार ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। भीषण गर्मी से जूझ रही दिल्ली को अगले दो दिन सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से उठा धूल का एक बड़ा तूफान बुधवार को दिल्ली NCR सहित समूचे उत्तर भारत को बेहाल कर सकता है। इसका असर अगले दो दिन तक बने रहने के आसार हैं। केंद्र सरकार की संस्था सफर इंडिया ने मंगलवार देर शाम इस आशय का अलर्ट जारी कर दिया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी सारे हालात पर निगाह रखे हुए हैं। सफर इंडिया के प्रोजेक्ट निर्देशक डॉक्टर गुफान बेग के मुताबिक मंगलवार को पाकिस्तान के कराची व अफगानिस्तान के सिस्तान बेसिन शहर में धूल का एक बड़ा तूफान उठा है। यह तूफान भारत की ओर बढ़ रहा है और संभावना जताई जा रही है कि बुधवार को यह उत्तर भारत के ज़्यादातर हिस्सों को अपनी चपेट में ले लेगा। इस तूफान को राजस्थान के थार रेगिस्तान की धूल भी और भी गंभीर बनाएगी। सफर इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार इससे PM 2.5 और PM 10 दोनों की मात्रा में खासी वृद्धि होगी। वायु गुणवत्ता का स्तर बहुत खराब हो जाएगा जिसके कारण श्वास रोगियों को कठिनाई हो सकती है और गर्मी के इस मौसम में भी लोगों को मास्क पहनने को विवश होना पड़ सकता है। फिलहाल CPCB सारी स्थिति पर निगाह रखे हुए है।